राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इस साल नए साल का जश्न जमकर मनाया गया। 31 दिसंबर को राजस्थान में शराब की भी बम्पर बिक्री हुई, पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। आबकारी विभाग के अनुसार राजस्थान में 31 दिसंबर के दिन 77,82,00,000 रुपए की शराब की बिक्री हुई है, जिसमें 12,60,00,000 रुपए की बियर और 65,13,00,000 रुपए की अंग्रेजी शराब की बिक्री हुई है, जिसमें नुकसान में चल रहे आबकारी विभाग के खजाने में इजाफा हुआ है। साल 2020 में यह आंकड़ा 70,00,000 था। राजस्थान में 31 दिसंबर की शाम बढ़ते कोरोना के बावजूद इतनी मात्रा में शराब बिकना हैरान करने वाली बात है, वो भी तब जब पूरे प्रदेश में तमाम शराब की दुकानें रात 8 बजे से पहले बंद हो गई हो। ऐसे में आबकारी विभाग को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी मात्रा में शराब बिकेगी और राजस्व मिलेगा। आबकारी विभाग के अनुसार देश भर के कई राज्यों में नए साल के जश्न पर रोक थी, ऐसे में बड़ी संख्या में देशी सैलानी नए साल का जश्न मनाने राजस्थान में पहुंचे थे, जिसकी वजह से शराब की बिक्री में इजाफा हुआ है। आबकारी विभाग से जारी डेटा देखे तो इस बार लोगों ने बियर की तुलना में अंग्रेजी शराब को पीना ज्यादा पसंद किया। साल 2019 में लगभग 30 करोड़ रुपए की बियर की बिक्री हुई थी, जबकि इस बार ये आंकड़ा केवल 12,60,00,000 रुपए रह गया। इस कारण इस बार अंग्रेजी शराब की डिमांड ज्यादा रही। साल 2019 की बात करें तो उस समय नववर्ष के स्वागत का जश्न मनाने में राजस्थान भी पीछे नहीं रहा। यहां 31 दिसंबर 2019 की रात तक पूरे प्रदेश में 1,04,00,000 की शराब की बिक्री थी। उस समय आयोजन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी, लोगों ने होटल पब फार्म हाउस रिसोर्ट में जमकर जाम लगाए। उस समय तो आबकारी विभाग ने होटल रेस्टोरेंट और क्लबों में पार्टियों में शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस भी जारी किए थे, जिसमें भी विभाग को बम्पर आए हुए थी।